दोस्तों, वाइटिंग कुकिंग फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं केक। इसके लिए हमें चाहिए मैदा, ये हमने घर का मलाई लिया हुआ है, ये चीनी जो हमने छोटी इलायची डाल के पीस लिया हुआ है, ये हमने 5 ठो अंडा लिया है, ये देसी घी है, ये वेनीला एक्सचेंज है, ये गरी का बुरादा है, ये काजू है, ये बेकिंग पाउडर है, ये बेकिंग सोडा है। आइए हम शुरू करते हैं। अब हमने पॉट लिया है, इसमें हमने अंडा डालना है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये हमने अंडा ले लिया है। अब इसमें हम जो घर की मलाई है इसको हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसको मिक्सी में ग्राइंड कर देंगे। दोस्तों, ये हमने ग्राइंड कर लिया हुआ है। एक भगोना ले लिया है जिसमें हमने जो हमने ग्राइंड किया हुआ है अंडा और मलाई, इसको हम इसमें मिला लेंगे। इसको इसमें डाल दिए हैं इस तरीके से, ये देखिए। अब हम इसमें थोड़े थोड़े करके चीनी डालेंगे। ये हमने 2 कप चीनी लिया हुआ है। देखिए, हम चीनी डाल के अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा डालेंगे, ये देखिए। हमने 1.5 कप मैदा लिया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, जो हमने बाउल में मैदा बचा हुआ था वो भी हमने सारा डाल दिया है इसमें। ये देखिए, हमें इस तरीके से इसको हर चलाना है। ये देखिए, हमें एक ही साइड चलाना है। ये देखिए, अब हम इसके बाद गरी का बुरादा डालेंगे। इसे डालने से खाने में और टेस्ट आता है। ये देखिए, हम इस तरीके से इसको चलाते रहेंगे एक ही साइड से। इसको हम जितना फेटेंगे उतना ही अच्छा होगा। ये हमने गरी का बुरादा भी डाल दिया है। अब हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे जो हमने थोड़ा सा डालना है, 2 चुटकी। ये हमने बेकिंग पाउडर डालना है, ये हमने 1.5 चम्मच डालना है। अभी हमने इसमें घी नहीं डाला हुआ है। ये देखिए, ये मेरा कितना अच्छा उठ रहा है। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसमें थोड़े से देसी घी डालेंगे। ये देखिए, ज़्यादा नहीं डालना है। ये हमें इसको साइड से चलाने हैं। इस तरीके से हम इसको मिक्स किए हैं। ये देखिए, मेरा कितना अच्छा सा हो गया है। ये देखिए इसका बैटर। अब हम इसमें वेनीला एक्सचेंज डालेंगे। ये देखिए, हमने ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़े डालना है। नहीं, ज़्यादा डालने से ये होता है कि ये कड़वा आने लगता है। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा बैटर तैयार हो गया है।
हम इसको इस तरीके से ही रखेंगे। ये देखिए इतना पतला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। आइए, हमने पहले से इसमें घी लगा दिया है ताकि मेरा चिपके ना। अब हम बैटर इसमें डाल देंगे। अब हम ऊपर से, ये देखिए दोस्तों, ये हमने अच्छे से सेट कर दिया है। ये इस तरीके से आप सेट कर दीजिए और फिर उसके बाद हम ऊपर से काजू डालेंगे। ये देखिए, ये हमने ऊपर से काजू डाल दिया है। हमने ऊपर से इसको डेकोरेट कर दिया है। ये देखिए, अब हम ओवन में रख दिए हैं। ये पहले हम, ये हम 150 पे रख दिए हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरा केक तैयार हो गया है। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा केक तैयार हो गया। अब हम इसको इस तरीके से काट लेंगे। ये देखिए कितना स्पंजी है। ये देखिए खाने में भी सॉफ्ट है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।